सवाल क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, कुछ इस तरह से सर्कल बनाया हुआ है, ये आपका सर्कल हो गया, और यहाँ पे एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी पॉइंट बना लीजिए आप जहाँ आपकी इच्छा हो, ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट से आपको एक लाइन ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यहां से मान लीजिए ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहां से इसको मिला दिया गया, ये ऐसे मिला दिया गया, देखिए लग रहा है कि ये 90 डिग्री है पर है नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम मान नहीं सकते, तो हम ऐसा करते हैं इसको यहां से मिला देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया पर चलेगा, ये एक्स है ये जेड है, अगर ये 90 डिग्री होता तो अपना काम बहुत आसान हो जाता, लेकिन दिया नहीं है तो नहीं मान सकते, ये वाई है ये पी है ये 12 दिया हुआ है ये 7 दिया हुआ है, तो अब आपसे और आपको क्या दिया हुआ है एक चीज़ और कि पी एक्स वाई इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है, ट्रायंगल पी एक्स वाई का पेरीमीटर दिया है कितना, ये दिया हुआ है आपको 27, ठीक है, तो पूछा क्या है ट्रायंगल पी एक्स जेड का पेरीमीटर, तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ये लेंथ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ और इसको मैं वाई मान लेता हूँ, अगर एक्स और वाई दोनों आ गया तो अपना काम बन जाएगा, तो पहले एक्स निकालते हैं, देखिए पी पॉइंट से अगर हम पावर ऑफ पॉइंट लगाते हैं सर्कल में, पावर ऑफ पॉइंट मतलब एक पॉइंट की ताकत हिंदी में आप बोल सकते हैं, तो देखिए क्या होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर, और पी एक्स क्या है 12 यानी 12 का स्क्वायर, तो ये एक्स कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तभी 9 इंटू 16 करेंगे तो 144 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ गया 9, ठीक है ये 9 आ गया ये 12 दिया हुआ है ये 7 है, अब अपने को ये निकालना है टारगेट अगला, तो अब इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको 27 दिया है तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई 12 9 21 और 6, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, अब ये 6 मिल गया ये 7 मिल गया, ठीक है तो अपन ये वाई निकाल सकते हैं, देखिए कैसे ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को कितना कहेंगे थीटा मान सकता हूँ मैं, तो मैं कॉस थीटा इस ट्रायंगल में लगाऊँ अगर तो ये थीटा एंगल मिल जाएगा, देखिए कैसे कॉस थीटा अगर लगाता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ये 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144 अपॉन एक्स, अपने ने निकाला है कितना एक्स तो आ गया ना अपना कितना आया 9 आया, तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह डाल सकता हूँ 81 डाल सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कितना मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 81, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 2AB करते हैं हम, तो 2 × 9 × 6 2 × 9 × 6, तो अब यहां से कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया 81 और 36 यानी 8 × 3 = 11 117 − 144 117 − 144 और अपॉन नीचे आ जाएगा 2 × 9 = 6 2 × 9 = 6, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 27 अपॉन 2 × 9 × 6 और ये −27 आएगा, तो ये 3 बार में काट सकता हूँ मैं और ये 2 बार में काट सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा −1/4, अब ये एंगल कितना होगा दोस्त 180 माइनस थीटा होगा, यानी कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ कॉस नेगेटिव होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है
कॉस थीटा की 1/4 है, तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4 ये प्लस में। यानी मैं अगर दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर इस ट्रायंगल में हमें कोसाइन रूल लगाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, कॉस ऑफ ये एंगल 180 माइनस थीटा यानी 1/4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 49 प्लस 36 माइनस y का स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत लाजवाब, अपॉन 2ab यानी 2 × 7 × 6, 2 × 7 × 6 तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये फिर कट जाएगा 3 बार में, तो ये 21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 और 84 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा 8 9 6 15 सॉरी और साथ ही 85 आ जाएगा। कुछ गलत हुआ है क्या? ये देखिए 7 आया है अपना, ये 6 अपन ने निकाल रखा है, 49 और 36, 49 और 36 40 30 70 और 9 85, ये 85 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4, 2 से 2 कट जाएगा और 42 आ जाएगा। ये ठीक है बहुत बढ़िया, ये दो दो बजे ज़्यादा काट दिया, ये 6 नहीं कटेगा, ये सीधा जो है सिर्फ 2 से, मैं अगर 4 है तो मैं इसको 2 से 2 काट लेता हूँ और ये 3 बार में, तो ठीक है 21 आ जाएगा। ये कितना आएगा वाई स्क्वायर, कितना आएगा अपने पास 1/4 इज इक्वल टू 2 × 7 × 6, 2 × 7 × 6 तो 7 × 42 = 84 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे ऊपर 85 − y², तो ये कितना आ जाएगा 85 − y² इज इक्वल टू 85 − y² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 और इसके नीचे है 80, इसके नीचे कितना आ गया भाई, ये आ गया है 7 × 2 = 14 × 6 = 84 84 आ जाएगा 84। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 × 4 माइनस 4y² इज इक्वल टू 84, तो ये आ जाता है 5 × 20 और 8 × 32 34 माइनस 4y² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 84। ठीक चार उधर लेके चले गए, तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये आ जाएगा 3 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 256 इक्वल टू 4y², तो यहाँ से y² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × 6 = 24 और 4 × 16 64, तो वाई कितना आ गया अपने पास 8, और अगर वाई अपने पास 8 आ गया तो अपने को वाई मिल गया, और अगर वाई मिल गया तो इस फोटो में अगर मैं वाई 8 रख दूं तो आपको ट्रायंगल किसका है पूछ रहा है, पी एक्स जेड, तो 8 + 9 = 16 + 6 पेरीमीटर कितना आ जाएगा 8 + 16 + 6 यही तो होगा 8 + 16 + 12 सॉरी प्लस ये 12 आया था ना अपना, ये वाला पी एक्स तो 12 दिया हुआ है ना, तो ये 12 हो जाएगा 8 + 16 + 12 तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 12 8 20 10 30 6 36 36 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बट आई होप अब आप कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।